जी कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 27 अक्टूबर वार रविवार। वैसे तो अभी 2-4 दिन से बच्चों की लगभग छुट्टी सी ही चल रही है, और घर हो या स्कूल सब जगह पर सफाई का काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। तो जी चलिए आज कमरों की साफ़ सफाई शुरू करते हैं। आज वैसे एक कमरा ही साफ़ हो पाएगा, दूसरा कल देखेंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो बेड के गद्दे वगैरह निकाल दिए हैं, और जैसे बेड में से सामान निकालना रहता है तो वो काम करने की शांत को बड़ी जल्दी रहती है, क्योंकि उसमें से जो छोटे मोटे इनके पुराने कपड़े निकलते हैं या चाहे कुछ भी सामान हो, इसको सब कुछ निकाल कर देखना रहता है। हर चीज़ में मतलब कि बस अपना हाथ रखना है इसको। तो सुबह उठते ही सबसे पहले गद्दे निकालती है, बल्कि ये तो उठते ही सारे कपड़े वगैरह निकाल देता, मैंने ही इसको रोक रखा था अभी तक, क्योंकि पहले मुझे अपना जो गोबर भारी का काम है वो निपटाना था। अभी मेरा सारा काम निपट गया था, उसके बाद फिर बस ये कपड़े वगैरह सब निकाल दिए हैं। सुबह उठते ही थोड़ी सी जल्दी मैंने इसलिए निकाल दिए क्योंकि शाम तक धूप लग जाएगी, तो फिर वापस रख देंगे। धूप वैसे अभी अच्छी खासी निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि भी मौसम, कई बार ऐसा होता है कि मौसम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, अच्छे से धूप नहीं लग पाती है, फिर तो 1-2 दिन लग जाता है। लेकिन अभी तो धूप इतनी तेज़ की रहती है कि शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। और ये देखिए, आप सब बोल रहे थे कि दीदी आप बिल्कुल सिंपल सिंपल साड़ियाँ खरीदते हैं, तो बाहरी साड़ियों का क्या है कि हम खरीद लेते हैं और फिर कुछ काम नहीं आती। ये साड़ी मैंने हमारी शादी हुई तब ली थी शायद, लेकिन ऐसी साड़ियाँ मेरे पास कई हैं जो रखी ही रहती हैं। एक तो मुझसे ज़्यादा हैवी साड़ियाँ बनती ही नहीं हैं, दूसरा मुझे खुद को ही थोड़ा सा अड़कस ज़्यादा आता है हैवी साड़ियाँ पहनने में। और देखिए साड़ी हो या कपड़ों का, मतलब कि ये लगा लीजिए सूट पहने या साड़ी पहने, हमारा ये रहता है कि भाई एक बार पहन लिया या दो बार पहन लिया। ज़्यादा हैवी कपड़े तो हम शादी वगैरह में ही पहनते हैं, एक शादी में पहनते हैं तो दूसरी में फिर वो कपड़े पहनने में हमें ये लगता है ये तो पिछली बार पहने ही थे। और हम औरतों में तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, आदमियों का तो फिर भी ये है कि एक कपड़े पता नहीं कितनी बार पहन लेते, और हमारा तो ये है कि भाई एक बार शादी में पहन ली तो दूसरी बार उस साड़ी को पहनना मन को तो अच्छा नहीं लगता है, क्या हुआ कभी कभार मजबूरी में पहन लिया, तो फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं तो ये रहता है पिछली बार तो पहनी ही थी। और इसी चक्कर में बस अभी मैंने ज़्यादा हैवी साड़ियाँ खरीदनी तो बंद ही कर दी हैं, सिंपल सिंपल साड़ियाँ ही खरीदती हूँ ताकि 1-2 बार जैसे आने जाने में या शादी वगैरह में पहन लें, उसके बाद फिर घर में पहनने में आ जाए। ज़्यादा हैवी साड़ियों का तो देखिए घर का काम कितना ज़्यादा रहता है, और हमारा रहन सहन कैसा है पशु वगैरह का घर का, तो इन सब में ज़्यादा हैवी कपड़े पहनना भी नहीं हो पाता है। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं हल्का फुल्का नाश्ता, और नाश्ता करते करते हम आगे निकल गए हैं। बस झटपट मैगी खाई थी, पानी तो मैंने रख दिया था, उसके बाद फिर बनाने का काम रितिका ने कर दिया था। बिल्कुल प्लेन बनाई थी, जैसे प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला था, मैगी डालकर फिर उसमें अपने जो मसाले रहते हैं वो डाल दिया, मैगी मसाला और 1-2 मसाला और डाला होगा रितिका ने। ज़्यादातर मैगी वगैरह बनाने का काम यही करती हैं, मैगी क्या चटपटी चाहे कोई भी चीज़ लगा लीजिए और बना भी अच्छी लेती है। तो अभी मैंने तो आज सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी, कपड़े धुलने हैं, और रितिका ने देखे गमले पर कली कर दी है। 2 बार हाथ लगाना पड़ेगा, वैसे तो एक बार तो सुबह सुबह ही कर दी थी, दोपहर तक सूख जाएगा, तो उसके बाद फिर एक बार फिर से लिपाई कर देंगे, क्योंकि एक बार में तो इतने अच्छे से कलर उभर कर नहीं आता है। और हमारी चल रही है अंदर की साफ़ सफाई, कपड़े आज मुझे डेली के भी धुलने थे थोड़े से, और बाकी जैसे चादर और कंबल वगैरह ये सब धुलने थे, तो इसीलिए मैंने आज मशीन चला ली थी, नहीं तो आज तो साफ सफाई का काम बहुत ज्यादा था। पर ये है कि देखिए त्योहारों पर तो कमर कसनी ही पड़ती है, पूरे साल तो हम अपने हिसाब से चलते रहते हैं, और साफ सफाई हो या फिर कोई भी तीज त्योहार मनाने का, देखिए हमारे मन में ही एक अलग भाव होता है। अभी हमारी कोई मजबूरी तो है नहीं कि भाई हमारे ऊपर कोई दबाव है, बस हमें अपना घर साफ सुथरा चाहिए, तो उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अलमारी तो मैंने निकाली नहीं थी, शीशा हटाकर अच्छे से अलमारी और टीवी ट्राली सब साफ कर दिए थे। इनका खेत का काम अभी इतना ज़्यादा चल रहा है कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ज़्यादातर तो साफ़ सफाई में जैसे अलमारी वगैरह ये सब हटाने में साफ़ करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करवा देते हैं, लेकिन इस बार तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बस सारा सब मैंने और बच्चों ने मिलकर संभाल रखा है, और बेड तो हमारा इतना भारी है कि हम दोनों मिलकर भी नहीं निकाल पाते हैं, तो इसीलिए बस अपनी जो जितनी मुझसे हो सकेगी उतनी ही साफ़ सफाई करूँ। जी 2 बार कली करने के बाद ये देखिए फाइनल लुक तो कुछ ऐसा ही आया है, और अभी इसके ऊपर करना है कलर, वो देखेंगे थोड़ी सी कली और बची हुई है।
तो मैं सोच रही हूँ कि पीला रंग कर लेते हैं, और रितिका का मन है ऐसा गैरवा कलर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये रंग करने की देखते हैं गांव में मिलेगा या नहीं। धूप ये जड़ा बैड में धरिया था ना उड़ाए दर दे या भैंस नु कैमरा कन टुकर टुकर क्यों देख रही थी का देखिए गम्मा गमी रवा है शाल से यो बगा दियो के सब क्या है ना बगा दे तो जी अभी साफ सफाई तो हो गई है और सामान भी लगभग मैंने बेड में सारा लगा दिया है। अभी ये चादर वगैरह सब इसी में रख देते हैं क्योंकि काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। ये तो ये है कि कभी कोई मेहमान आ जाए तभी लगाने के लिए ली थी मैंने, और ये चादर मैंने ली थी 600 में। तो जो गर्म चादर है वो 350 की है और जो कॉटन की है वो 250 की। और गर्म चादर का कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लास्टिक वाली है तो और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लास्टिक की चादर का ये हो जाता है कि गद्दों से इधर उधर नहीं होती है। एक पीली चादर तो मेरे पास है ही जो आप हमेशा देखते हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अच्छे से बेड पर सेट भी हो जाती है। इसी चक्कर में फिर मैंने ये गर्म चादर भी ले ली क्योंकि अभी आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, हम तो सोते नहीं हैं लेकिन ये दोनों बहन भाई बेड से इधर से उधर नहीं होते हैं। इन दोनों को तो बस बेड पर ही नींद आती है, बाकी हमारा तो ये है कि हमें तो खाट पर ही सोना है चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो बस अभी बेड में सामान लगा दिया था और उसके बाद फिर ये पर्दे भी मैंने फिर से अच्छे से साफ़ करके लगा दिए हैं। दो ही नहीं हैं इस बार, पिछली बार तो दिवाली पर मैंने पर्दे वगैरह सब साफ़ किए थे, पर यह है कि जो हो जाए जितना हो जाए अच्छा है। सब कुछ करने के चक्कर में तो फिर हम टेंशन में ही पड़े रहते हैं। तो जी आज का तो मेरा ये था कि मुझे एक कमरा साफ़ करना है और वो अच्छे से साफ़ भी हो गया। अभी चादर वगैरह लगा दी है और बस अभी करेंगे नहाना धोना, सुबह उठकर लगे थे, ये टाइम हो गया है। खाना भी थोड़ा बहुत भागम भाग में खा लेते हैं, ये तो बच्चों की 2 दिन की छुट्टी है तब थोड़ा सा ये है कि सांस मिल जाता है, सहारा हो जाता है काफ़ी। नहीं अकेले तो साफ सफाई करना कितना मुश्किल है वो तो आप सबको पता ही है। तो बस अभी मेरा और रितिका का नहाना धोना हो गया है और एक कप पी लेते हैं कड़क सी चाय। सच बताऊं तो मनपसंद चाय मिल जाती है ना तो ऐसा लगता है कि बस सारी थकान दूर हो गई है। तो ये भी खेत से आ गए थे, आते ही चाय तो फिर बनती है, मैंने भी झटपट अपना नहाना धोना कर लिया, सोचा कि नहाकर ही आराम से बैठकर चाय पियेंगे। काम तो वैसे मेरा थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ था। और भी आओगे? खाओगे देख रितिका तेरे पापा का कचाड़े हो रहे जमाई श्याम इधर ही पन्नी कौन देखती तू ना इतनी बड़ी धरी हाँ सब किमटो लिया आज छोले थे को सुते बढ़िया। तो जी अभी बज गए हैं 7:15 और वो तो आप सबको पता चल ही गया। तो अभी बनाएंगे समोसे की चाट। छोले हमारे आ गए थे 6 बजे और पूरा 1 घंटा हो गया है बच्चों का इंतजार करते हुए, पूरा दिन हो गया आज काम करते करते और अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है। सोचा कि पहले खाना वाना खा लेते उसके बाद फिर देख रहे हैं, और आज काम करते करते थक भी गए थे और बच्चों का मन भी था कुछ चटपटा खाने का। अभी समोसे बनाने में तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो समोसे मैंने मंगवाए हैं मैंने बनाए और छोले भी उबाल कर तैयार कर लिए हैं, और छोले नहाने से पहले ही रख दिए थे। अभी इसके लिए आप सब चाहे कुछ भी हो अभी तो ना नहाने का टाइम है ना खाने का, खाने का जुगाड़ भी बना बना ही करना पड़ा है और नहाना धोना बस अभी हुआ ही है। और आज हमारे छोले इतने ज़्यादा अच्छे बने हैं बल्कि अभी तक तो मैंने इसमें तड़का भी नहीं लगाया है, डबल साइज हो गया था अभी बनने के बाद।
तैयारी सारी रीतिका ने करती है। प्याज वगैरह ये देखिए दोनों तरह की कट हो रखी है। बस झटपट से अभी इनके लिए बनाकर तैयार कर देते हैं। और आज तो हमारे छोले इतने ज़्यादा अच्छे बने थे, मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मैंने भागम भाग में ही, सच बताऊं तो, छोले उबलने के लिए रखे थे। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बड़ा मन लगाकर बनाते हैं और आज तो छोले जैसे उबले ही थे, तभी पूरे घर में इतनी महक आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या आज स्पेशल बन रहा है। तो बस अभी सिंपल मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च, अपने जो दो चार मिर्च मसाले हैं वो डालकर तड़का लगा दिया है। टमाटर मैंने डाले नहीं क्योंकि चाट के लिए बनाने वाले हैं, वैसे मैंने इतने ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले भी नहीं डाले थे, सिंपल से छोले छूक लिए हैं क्योंकि बाकी के सारे मिर्च मसाले हम बाद में डालेंगे। तो जी अभी छोले तो हमारे तैयार हो गए हैं और बस अभी लगे हाथ दो चार रोटी और बना लेते हैं। बोलो बड़ा चिंता है छुट्टी लड़ा नहीं पाया के तो जी हमारा डिनर तो बनकर तैयार हो गया है। अभी लगा देती हूँ बच्चों के लिए झटपट प्लेट और थोड़ी सी मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं साथ में, क्योंकि बाद में थोड़ा बहुत जैसे खाना खाने का मन हो जाता है। वैसे तो आज हमारा समोसे से ही पेट भर गया था, अकेले समोसे खाते हैं फिर भी गुंजाइश रह जाती है, लेकिन ये वाली प्लेट है ना, एक प्लेट से ही पेट अच्छे से भर जाता है। तो बस मैंने मीठी दही बनाई है और खटाई तो हमेशा घर पर रहती ही है, और बाकी अपने दो चार मिर्च मसाले और छोले डालकर हो गई है हमारी प्लेट तैयार। तो जी ये हमारी हो गई है प्लेट तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज और सारी बार देखो मैं तो फोटो भी देख लूंगी। और आज छोले तो मैंने सुबह ही भिगोकर रख दिए थे, सोचा कि शाम को बच्चों के लिए छोले पूरी बना दूंगी। संडे था, संडे को वैसे भी कुछ ना कुछ तो मैं बनाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो शाम ढलते ढलते इतनी ही ज़्यादा थकान हो जाती, सुबह तो लगते हैं ऐसे पूरे जोश के साथ और जैसे जैसे दिन ढलता जाता वैसे वैसे थकान होती जाती है। और बच्चों को भी दोपहर के बाद भूख लगाई थी तो मैंने समोसे ही मंगवा लिए थे, सोचा कि शाम को चाट हो जाएगी और अभी इनका नाश्ता भी हो जाएगा, साथ में अपनी थोड़ी सी रोटियाँ भी बना ली हैं। आज मैंने पहले ही बना कर रख ली क्योंकि कभी कभी नहीं बनाते हैं, तब तो सबको यह रहता है कि होती तो एक दो खा लेते। आज बनाई थी तो सच बताऊं किसी ने एक रोटी भी नहीं खाई, सबका चाट से ही पेट भर गया था। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद सब लग गए हैं अपने अपने काम पर। मैं तो आ गई थी दूध गर्म करने के लिए, चूल्हा जला लिया, कल तो गैस पर ही गर्म कर लिया था, आज थोड़ा सा ज्यादा था। बाहर मौसम भी काफी अच्छा है, ना तो गर्मी है और ना ही ठंड है, तो बस अभी दूध को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। दो दिन हो गए हैं, कल तो गैस पर गर्म किया था, उससे पहले दो दिन लगातार दूध मेरा उफन गया था, और दूध उफन जाता है तो फिर मन में बड़ा असमंजस सा रहता है कि क्योंकि अच्छा नहीं मानते हैं ना, इसीलिए। तो आज मैंने बैठकर ही दूध गर्म किया था, उसके बाद फिर दूध ठंडा होगा तब तक मैं लग गई थी ये कपड़े समेटने में, अलमारी में मुझे कपड़े भी जचाने थे। बेड में तो मैंने सारे कपड़े सेट करके रख दिए थे अच्छे से निकाल कर धूप लगा कर, और इसमें तो जैसे डेली के कपड़े हैं, बाकी जो हमारे आने जाने के कपड़े हैं वो तो ज़्यादातर हम या तो बेड में रखते हैं या फिर मैं तो संदूक में ही रखती हूँ। तो अलमारी में तो लगभग जो हम डेली में पहनते हैं या फिर कभी जैसे गाँव में इधर उधर आना जाना रहता है तो वो कपड़े ही रहते हैं, तो इनको तो धूप लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने सोचा था कि रात को अपना सारा काम करके ही फिर जचाऊंगी, लेकिन जचानी थी मुझे, तो बस अभी मेरा ये काम भी निपट गया है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे सेवलों के साथ, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें कभी नहीं पहनने रहते, लेकिन इनका यह है कि मेरा एक भी कपड़ा फेंकना नहीं है।